देखो, तो लास्ट क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे फ्लाइट प्लानिंग की, कि फ्लाइट प्लानिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम उससे क्या क्या करते हैं। और हमने यहाँ पर रीजन ऑफ ओवरलैपिंग हमने देख लिया था, इसके बाद विंड की वजह से ड्रिफ्ट और क्रैब एंगल बन रहे थे, उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ये आवाज आ रही है ना। ये सर आ रही आवाज है। ठीक है। एरिया कवर बाय वन फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ ग्राउंड का कितना एरिया कवर कर रहा है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया था। एरिया कवर इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ का स्केल, विड्थ, विड्थ का स्केल। तो ये हमारा था फॉर्मूला। इसके बाद हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ कवर बाय एरिया कैसे निकालें। ठीक है, एक एरिया गिवन है और आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने रिक्वायर्ड हैं आपके उस एरिया को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें थी, ये सारे जो अल्फ़ाबेट हैं इनको एक बार समझ लेते हैं, जो कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे भी इसी के बारे में बात हो रही है। ये जो एल है, कैपिटल एल, ये ग्राउंड पे लेंथ है, वो लेंथ जो फोटोग्राफ कवर कर रहा है। ये फोटो कैमरा है, ये इसने ग्राउंड की फोटो खींची, ठीक है, और ये लेंथ हो गई कैपिटल एल। ये यहाँ पे फोटोग्राफ है, एज्यूम करो, और उस पर क्या होगी ये स्मॉल एल, ठीक है। तो ये कैपिटल एल हो गई, यानी कि ग्राउंड, ये वाला फोटोग्राफ जो है, ये वाला फोटोग्राफ एक ग्राउंड पे कितनी लेंथ कवर कर रहा है। तो कैसे निकाला, वन माइनस पी एल, पी एल यानी कि ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब कि यहाँ पे जो दूसरा फोटोग्राफ होगा कलर चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, बस कलर चेंज है तो और अच्छा होगा। हाँ, दूसरा फोटोग्राफ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो भी किसी इसी कैमरे से आ रहा होगा, जो कैमरा व्हीकल हमारा आगे चला गया, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है पी एल, जो 60% हमने बताई है कि लगभग 60% होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल में, ये माइनस करेंगे तो ये 40% हमारा ये इलाका ये बच गया, ठीक है। और ये 40% जो है, इसमें अगर इसकी ग्राउंड की लेंथ निकाल ली 40% की, तो इसमें स्केल का मल्टीप्लाई किया गया और स्मॉल एल फोटोग्राफ की लेंथ का। इसी तरह विड्थ निकाली गई है, क्योंकि ये तो आपका ऐसे होगा ना, लेंथ और विड्थ होगी, तो विड्थ निकाली गई है। तो ये जो चीज़ है कि ये मत समझना जो एरिया गिवन है ना उसकी लेंथ और विड्थ नहीं है, ये एरिया का आपको बहुत बड़ा ऐसे गिवन होगा, उस एरिया का एक फोटोग्राफ जो कितना कवर कर रहा है एरिया, उसकी कैपिटल एल और डब्ल्यू लेंथ और विड्थ है। और पी एल, पी विड्थ क्या है, दो फोटोग्राफ आपस में लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप करते हैं तो पी एल, और साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो पी डब्ल्यू, ठीक है। उस हिसाब से एस और उस हिसाब से स्मॉल डब्ल्यू है फोटोग्राफ की विड्थ, स्मॉल एल है आपकी फोटोग्राफ की लेंथ। ये हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इसी के बारे में थोड़ा सा। स्मॉल ए जो है आपका, स्मॉल ए है आपका फोटोग्राफ का एरिया, ठीक है, जो आपका फोटोग्राफ का एरिया है वो क्या है आपका एल डब्ल्यू, और एल की वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपकी एल की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ये है आपकी डब्ल्यू वैल्यू। इस वजह से आपका जो ए है वो आपका इक्वेशन से ये निकल गया, ठीक है। स्मॉल एरिया क्या है आपका, स्मॉल एरिया, इन्होंने बुक में थोड़ा सा गलती की हुई है, देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ी सी गलती की गई है, उसको आप समझ लेना। एक फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है, पी लिख देता हूँ यहाँ, फोटोग्राफ पी है, ये है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ अल्फाबेट का ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, ये है आपका स्मॉल एल, और इसका टोटल एरिया क्या होना चाहिए, स्मॉल ए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, स्मॉल ए है जो ग्राउंड पे इस फोटोग्राफ की वजह से जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसका एरिया है स्मॉल ए। क्योंकि कैपिटल ए से इन्होंने क्या दिखाया है कि टोटल एरिया, जो गिवन एरिया है, जो आपका, एक सेकंड, जो आपका टोटल एरिया है, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि स्मॉल ए है आपका, वो है आपका क्या कहते हैं,
ग्राउंड का एरिया, इन्होंने एक जगह पर लिया हुआ है फोटोग्राफ का एरिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं, इसको ऐसा भी कर सकते थे, कैपिटल ए डैश कर सकते थे, बुक की प्रॉब्लम है पर यहाँ ध्यान रखना। तो जो ए है ग्राउंड पे, जो एरिया है, जो एक फोटोग्राफ का एरिया है, उसका फॉर्मूला यही होगा, डब्ल्यू एल डब्ल्यू और एल ओ डब्ल्यू की वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ पर ये इक्वेशन निकल के आ गई। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ एरिए में कितना लग रहा है, तो टोटल एरिया जो सर्वे के लिए आपको दिया गया है, और जो ए एस मोल है कि एक फोटोग्राफ से जो एरिया कवर हो रहा है, तो उनको डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल ही जाएंगे, है ना, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ तक हो चुका था, अब यहाँ से स्टार्ट होना था, ठीक है, एक मिनट की थोड़ी सी विड्थ तो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि थोड़ा सा उसकी ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये कि ये एक एरिया है, ठीक है, और ये आपका एरियल व्हीकल है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस इस डायरेक्शन से ये आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से इस एरिया को फोटोग्राफ किससे किससे कवर करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ गई, तो एक स्ट्रिप में कितने फोटोग्राफ आएंगे उसको बोला गया इन्होंने एन वन, ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी होगी, ये स्ट्रिप नंबर वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, नंबर ऑफ स्ट्रिप, तो इसको क्या बोला गया है एन टू, ठीक है, क्लियर। तो ये कह रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ एरिया, ए कैपिटल ए क्या है आपका टोटल एरिया, तो एल वन और बी वन इसने बोला गया है टोटल एरिया की लेंथ और विड्थ, एल वन बी वन टोटल एरिया की लेंथ और विड्थ इसने यहाँ बात की है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर टू कंप्यूट कैलकुलेट फोटोग्राफ ईच स्ट्रिप, अब कह रहा है कि एक हर एक स्ट्रिप में कितने फोटोग्राफ होंगे उसको किससे शो किया है इसने एन वन से, और नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी होगी उसको शो किया है इसने एन टू से, ये निकालना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, टोटल एरिए में कितने फोटोग्राफ लग रहे हैं, अब निकाल रहे हैं कि एक स्ट्रिप में कितने फोटोग्राफ लग रहे हैं और नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी है। ठीक है, तो एन वन एन टू सभी को पता चल गया होगा एन वन एन टू क्या है, अब आगे चलते हैं। एल क्या है, मैं बार बार चीजों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कैपिटल एल है जो एक फोटोग्राफ ने ग्राउंड पे लेंथ कवर की है, कैपिटल है, और वही क्या है आपका, क्या कहते हैं एल है एक फोटोग्राफ से, और एल वन क्या है आपका पूरी स्ट्रिप की लेंथ, ठीक है। तो एक फोटोग्राफ ने जो कवर किया वो एल है, और एल वन क्या है पूरी स्ट्रिप की लेंथ, जो फील्ड आपको दिया गया सर्वे का उसकी एक स्ट्रिप की लेंथ। तो अगर एक स्ट्रिप की लेंथ आपको पता है और एक लेंथ कि एक फोटो कितनी लेंथ कवर कर रही है ये पता है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा आपका, नंबर ऑफ फोटोग्राफ इन वन, ठीक है, इस तरह से समझो ये एक स्ट्रिप है टोटल जो सर्वे के लिए एरिया दिया गया, और ये एक स्ट्रिप है जो एक फोटोग्राफ कवर कर रहा है, ठीक है, ये क्या है एल वन, सॉरी एल है केवल ये, और ये टोटल है एल वन, तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ के लिए L1 डिवाइड बाई L, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा दिया हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कि ठीक है L1 डिवाइड बाई L, L की वैल्यू क्या है ये है जैसे हम निकाल, लेकिन यहाँ पे प्लस वन दिया हुआ है, ठीक है, बस यही छोटी सी चीज़ है कि प्लस वन कैसे आया ये समझना है आपको ध्यान से, उसके बाद ये इसमें कुछ नहीं है सब। समझो ये है आपका ग्राउंड, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं जिससे, ये है आपका ग्राउंड जिसका सर्वे आपको करना है, आपका जो प्लेन है या एरियल है वो आपका इस तरीके से जाएगा, एक स्ट्रिप की बात हो रही है यहाँ पे, ये है वो स्ट्रिप जिसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोग्राफ, इस स्ट्रिप की लेंथ क्या है एल वन, ठीक है, जब ये पहला फोटो खींचेगा तो पहला फोटो इस बॉर्डर के ऊपर ऊपर आपका एरियल कैमरा होगा, तो पहला फोटो जो खींचेगा वो ये रहा पहला फोटोग्राफ, ठीक है, आवाज आ रही है एक बार कंफर्म करो, यस सर, यस सर, हाँ, तो ये ग्रीन वाला जो है पहला फोटो है जो आपने बॉर्डर के ऊपर आप
आपका एरियल व्हीकल है खींचा, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और भी बताता हूँ कि फोटोग्राफ में ओवरलैपिंग क्यों करते हैं। उसका एक रीज़न क्या था कि सेंटर में डिस्टोर्शन कम होता है, डिस्प्लेसमेंट और एजिस पे बढ़ता जाता है, तो ओवरलैपिंग से वो डिस्टोर्शन कम हो जाता है इस ओवरलैपिंग में, ठीक है। तो इस फोटोग्राफ का सेंटर बॉर्डर पे आ रहा है, यानी कि जो बॉर्डर से बाहर निकल रहा है उस फोटोग्राफ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तो डिस्टोर्शन कम होगा क्योंकि सेंटर है फोटो का, लेकिन इसके यहाँ पे डिस्टोर्शन होगा, तो नेक्स्ट फोटो कहाँ आएगा, दूसरे कलर से बनाता हूँ, नेक्स्ट फोटो ये रहा, ठीक है। ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे 60% ओवरलैपिंग बताइए, शायद ड्राइंग में ना आपको लग पा रहा हो, ठीक है। अब दूसरा फोटोग्राफ, केवल ये वन प्लस क्यों किया है उसके लिए बता रहा हूँ, दूसरा फोटोग्राफ, तीसरा फोटोग्राफ, चौथा फोटोग्राफ, पांचवा फोटोग्राफ, छठा फोटोग्राफ, सातवां फोटोग्राफ, ओवरलैपिंग तो हो रही है सब में, आठवां फोटोग्राफ और ये लास्ट वा नौवा फोटोग्राफ, ठीक है। अब नौवे फोटोग्राफ में क्या हुआ है कि नौवे फोटोग्राफ का जो फेस है वो ओवरलैप नहीं हुआ है ना। देखो हर फोटोग्राफ का जो फेस है ओवरलैप हो गया है, और ओवरलैप से हमें डिस्टोर्शन का भी हमें वो फ़ायदा मिल जाता है, कम हो जाता है, और स्टोरीस्कोपिक से हमें 3D ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है, ठीक है। तो हर फोटोग्राफ का जो फेस है वो ओवरलैप हुआ, लेकिन लास्ट वाला जो फोटोग्राफ है उसका फेस ओवरलैप नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या किया कि हमने एक फ़ोटो और खींचा जो इसके फेस को ओवरलैप कर सके। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकलेंगे उसमें वन प्लस कर दिया कि एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ और खींचा जाता है, ठीक है। ये इसका रीज़न है। इसमें कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, ए प्लस। हाँ सर, इसकी ये तो जबरदस्ती की मेहनत हो गई ना सर, अगर हमने शुरू से ही परफेक्टली डिवीजन लेके चलेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं बता देता हूँ इसको, अगर हमारा परफेक्टली बिल्कुल कुछ ऐसा सेंसर बेस कुछ हो कि हमारा फोटो एज टू एज आए तो हमें इन सब की जरूरत ही नहीं है। पर पता है जो एरिया हम सर्वे कर रहे हैं ना तो वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, और ना वो छोटा सा एरिया होता है, वो किलोमीटर स्क्वायर में होता है, हो सकता है 100 किलोमीटर हो और इस तरीके का एरिया हो बरखावर सा, ठीक है। और जो हम नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकाल रहे हैं तो कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है। बिल्कुल जितने फोटोग्राफ आपने कैलकुलेशन से निकाल दिए उतने ही जरूरत है इसको सर्वे करने के लिए, ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो कैलकुलेशन के लिए एक रफ आइडिया है, ठीक है। इसमें और भी कमियाँ निकाल सकते हैं आप ये भी कमी निकाल सकते हैं कि ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो लास्ट फोटो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे खत्म हो, वो आउट ऑफ बॉर्डर भी तो खत्म हो सकता है, हो सकता है ना ऐसा। यस सर, वही बोलने वाला था, वही बोलने वाला था कि जो लास्ट फोटोग्राफ है मैंने तो ऐसे दिखा दिया ऐसे कि भाई ये लास्ट फोटोग्राफ है और इसका यहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा तो एक और फोटो खींच दिया हमने, ठीक है। ये एक जनरल सी बात है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए, एक अप्रोक्सीमेट इस फॉर्मूले से है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है बस, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। मेरा लास्ट फोटोग्राफ ही हमारा आउट ऑफ बॉर्डर आ गया या फिर एक छोटा सा गैप रह गया, तो ये सब चीज़ हो सकती हैं, लेकिन बस कैलकुलेशन के लिए एक अप्रोक्सीमेट फोटो नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने के लिए हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि एरिया अगर आपका ऐसा है तो कैसे ये सब कैसे चलेगा, लेकिन रफली एक आइडिया हमें आ जाता है इससे कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैसे निकालेंगे। और एग्जाम परपज फिर से भी आपको इस तरीके से यही वन प्लस करना होगा और ना मार्क्स कट जाएंगे सर, ठीक है। तो एन वन है स्ट्रिप के नंबर ऑफ फोटोग्राफ इन वन स्ट्रिप, ये सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह आपने डब्ल्यू निकाला और एन टू निकाला, एन टू क्या है नंबर ऑफ स्ट्रिप, एन वन क्या है नंबर ऑफ फोटोग्राफ इन वन स्ट्रिप, एन टू क्या है नंबर ऑफ स्ट्रिप, और जब एन वन एन टू का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल जाएगा कि एन एन टू, ठीक है। तो ये था आपका इसमें कैसे हम नंबर, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल 100% आता ही है कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालो, जो मैंने पहले बताया था कि सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें एरिया गिवन है आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने हैं, उसके कम चांस होते हैं, स्ट्रिप वाले क्वेश्चन के ज़्यादा चांस होते हैं। स्ट्रिप में ऐसे पूछ लिया था कि एन वन गिवन है ओवरलैपिंग निकालो, ठीक है, ओवरलैपिंग गिवन है, एन वन गिवन है, एन टू निकालो या स्केल निकालो, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा दो एक दो टॉपिक और बचे हैं।
फिर कह रहा है कि इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर क्वेश्चन आ जाता है, एक्सपोजर के बीच में इनका इंटरवल निकालना, ये सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला है, टी टाइम निकाल रहे हैं, टाइम इंटरवल, एक बार जब फोटो खींचा और दूसरा फोटो खींचा उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, 36 × L, एल क्या डिस्टेंस, वी क्या वेलोसिटी, एयरक्राफ्ट की स्पीड, बस इससे ही निकाल लेंगे हम टाइम इंटरवल। फिर एयर बेस किसे कहते हैं, डेफिनेशन आ सकती है ऑप्टिकल एक्सिस के सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस को हम एयर बेस कहते हैं। अब आता है न्यूमेरिकल। इसमें सर्विंग में ना क्या है, सबसे बड़ी चीज न्यूमेरिकल बहुत इजी है और सिंपल से फॉर्मूले हैं, पर न्यूमेरिकल को समझना है, इसमें न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में, होता सिंपल फॉर्मूला है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ 25x25 सेंटीमीटर है, तो यानी कि फोटो का साइज है, यानी कि स्मॉल एल और स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है, स्मॉल एल और स्मॉल डब्ल्यू। क्या चीज सर, पिक्चर सिम नहीं कर पा रहे हैं सर, कोई भी नहीं कर पा रहा है कि यही नहीं कर पा रहे हैं, जरा बताओ किसी को दिखाई दे रहा है, 5.10 न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, एग्जांपल लिखा हुआ है स्क्रीन पे। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है, तो भाई आपकी मुझसे दिक्कत होगी जिसको नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ देखो क्लिक क्लिक करके, अगर नहीं दिखता है तो फिर सुन लेना बस ध्यान से। तो फोटोग्राफ का साइज है 25x25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें बिल्कुल समझ में आ गया, इतना क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि एक फोटोग्राफ है जिसका साइज 25x25 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, स्केल दिया हुआ है 10 मीटर, लिख लो ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये स्केल दिया हुआ है, एस की वैल्यू। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर एरिया, एक एरिया है उसको कवर करने में कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ लगेंगे ये निकालना है। ओवरलैपिंग डीवीए लॉन्गिट्यूडनल 60% यानी पीएल, और पीडब्ल्यू दिया हुआ है 30%, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ हमें निकाल लेना। तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ फोटोग्राफ पर स्ट्रिप, ठीक है, पर स्ट्रिप इन्होंने निकाले हैं, तो N1 है ये, तो N1 और इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ द एरिया है ये है L, ठीक है, और नीचे क्या है, ये L1 है सॉरी, और नीचे क्या है हमारा L, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। लेंथ ऑफ एरिया आपको एरिया दिया हुआ है इतने बाय इतने किलोमीटर का, तो उसकी जो लेंथ है वो है L1, इस ये L है केवल, ये है आपका वो ए लेंथ जो फोटोग्राफ कवर कर रहा है ग्राउंड पे, जिसका फॉर्मूला होता है 1 − PR × SL, ठीक है। ठीक है, और प्लस वन किया हुआ है तो N1 निकल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, 20 किलोमीटर है तो उसे मीटर में किया गया, 20 × 1000, 1 − PL की वैल्यू 0.6 रखी गई है, और S क्या है, स्केल है आपका, ठीक है, और इसके बाद क्या किया गया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया गया है लेंथ की 25 सेंटीमीटर की, ठीक है, प्लस 1 किया हुआ है जिसलिए प्लस किया, तो ये आ गया N1 आ गया आपका 21 फोटोग्राफ, यानी कि एक स्ट्रिप में 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए, 20 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप को कवर कर पाएंगे हमारे 21 फोटोग्राफ। फिर नंबर ऑफ स्ट्रिप इन विड्थ डायरेक्शन में, तो विड्थ का एरिया W अपॉन आपका फोटोग्राफ कितना कवर कर रहा है विड्थ में, प्लस 1, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी आ गई, 11, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि 20 × 15 किलोमीटर एरिए को 231 फोटोग्राफ कवर करने के लिए, ठीक है, ये सब रफली आइडिया दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि 231 की जगह हो सकता है 230, हो सकता है 232, ये सारी कैलकुलेशन है कि हमारा एक फोटोग्राफ कितना एरिया ले रहा है, ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब हमारी लाइन ऑफ फ्लाइट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई है, हाइट हमारी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, कैमरे का एक्सेस हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सब कुछ हमारी परफेक्ट है, तो भी इसके तब इसके अप्रोक्सीमेट 231 आएगा। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, इस न्यूमेरिकल में सर स्केल, मैं सोच रहा था स्केल किसी ने नहीं पूछा,
स्केल क्या गिवन है, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इसको मीटर में चेंज कर लो 1000, ठीक है. और एस बराबर क्या होता है आपका, जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है, यानी ग्राउंड पे अगर 1000 मीटर है तो फोटोग्राफ पे कितना है, 10 मीटर, तो ये एस बराबर कितना हो गया, 100 मीटर. ठीक है, समझ में आ गया. एस काफी तरीके से निकालते हैं, एस में कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ थोड़ा सा एस कैसे कैसे निकालते हैं. एक एस होता है आपका ग्राउंड पे डिस्टेंस डिवाइड बाय, अगर एस का कंसेप्ट समझाओगे तो आप कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है. फोटो पे डिस्टेंस जो मैंने अभी किया है, एक फॉर्मूला निकल के आता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, जो निकल के आया था एच बाय एफ, डेटम हाइट फोकल लेंथ. एक निकल के आया था हमारा एफ बाय एच माइनस एच वन. ठीक है, जब हम ये ग्राउंड के डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये आपके स्केल के फॉर्मूले हैं. अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा के स्केल निकाला है. ठीक है, और कुछ डाउट है? फोटो की डायमेंशन को मीटर में नहीं करना फिर, क्या कह रहे हो, आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलो. फोटो की डायमेंशंस को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना ना फिर, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर है. 25 सेंटीमीटर है, फॉर्मूले में देख लो इधर, इसमें अगर फॉर्मूले में नहीं किया है इन्होंने, क्या है वेट, थोड़ी बहुत एग्जैक्ट वही ले लिया सेंटीमीटर, लेकिन आप इसमें क्या होगा ना, देखो ये है ना 25 सेंटीमीटर और ये मीटर में, इसमें तो हाँ ये तो है गड़बड़ भाई. कभी भी हम यूनिट कन्वर्ट तब नहीं करते हैं जब हमारा कैंसल आउट हो रही होती है. ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये किसमें है, मीटर में, नीचे वाला ये वाला तो यूनिट लेस है, और ये जो 100 है ये किसमें है हमारा, यूनिट लेस है ना, स्केल यूनिट लेस ही होगा हमारा, क्योंकि ऊपर मीटर से मीटर कट जाता है, क्योंकि स्केल बराबर क्या था, 100 मीटर 1000 मीटर बाय 10 मीटर, तो यूनिट से यूनिट कट जाती है तो यूनिट लेस हो जाता है. ठीक है, लेकिन ये जो 25 है इसकी तो यूनिट है सेंटीमीटर. ठीक है, और ये जो है हमारा ये है मीटर में, तो यहाँ गड़बड़ है, तो इसको मैं चेक करूँगा कि क्या और बुक्स में भी ऐसे दीवन है, लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि अगर ऊपर 25 का कुछ होता तो कैंसिल आउट होता था मानते भी, या फिर एक तरीका और है इसकी डेरिवेशन देखनी पड़ेगी. 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, स्केल इंटू एल, यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं दिया ना स्केल क्या लेनी है, लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एरिया कवर, ठीक है. अब इसमें क्या होगा, मैं क्या होगा, एक दो बुक का रेफरेंस लेके इसको देखूंगा, अगर उन रेफरेंस बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है यूनिट चेंज नहीं किया, तो आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी है ना यूनिट चेंज मत करना, लेकिन अगर किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है यूनिट चेंज किया तो फिर यूनिट चेंज हो जाएगी. मेरे हिसाब से यूनिट चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और ऊपर मीटर है, तो कैसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल के आ जाएंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा मैं रिसर्च करके इसके ऊपर. नेक्स्ट कह रहा है कि थोड़ा सा वही मैं जो कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को समझना है थोड़ा सा, ये कह रहा है कि दो कैमरे हैं ए और बी, एरियल व्हीकल पे दो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे वन से जो फोटोग्राफ लिया हुआ है उसका साइज, कैमरे बी से जो लिया हुआ है वो है, दोनों की फोकल लेंथ अलग दी हुई है. पूछ क्या रहा है, कंपेयर द स्केल ऑफ फोटोग्राफी ऑफ कैमरा ए एंड बी, पहले तो उनका स्केल कंपेयर करना है. ठीक है, तो स्केल का फॉर्मूला ये है एच बाई एफ, एच गिवन है आपका 1350 मीटर, फोकल लेंथ गिवन है, तो दोनों का स्केल निकल जाएगा. दोबारा से कह रहा है कंपेयर द स्केल ऑफ फोटोग्राफी दोनों कैमरे की, तो हमारे पास फॉर्मूला है एच बराबर एच बाई एफ, तो एच हमारा कॉमन होगा 1350 फ्लाइट पर उड़ रहा है वो, एफ ए और एफ बी अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों का स्केल आ जाएगा, फिर दोनों के स्केल का रेशियो ले लो तो आप उनको कंपेयर कर लोगे, वही यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है. ठीक है, इसमें कोई
समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है. अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. हाउ मैनी फोटोग्राफ वुड बी टेकन बाई कैमरा ए, कैमरा ए से कितने फोटोग्राफ लिए गए वो पूछ रहा है. 16 किलोमीटर की स्ट्रिप है, ठीक है. तो देखो स्ट्रिप में कितने कैमरे, कितने फोटोग्राफ लिए गए वो एन वन होता है, और ये किसके बराबर होता है, एल वन डिवाइड बाई एल प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. एल वन क्या है, जो गिवन है आपका स्ट्रिप की लेंथ 16 किलोमीटर, तो 16 इंटू 1000 कर देंगे मीटर के लिए. और एल क्या होता है आपका, एल होता है आपका वही 1 माइनस पी एल 60% दिया हुआ है, एस एल स्केल भी पता है, स्मॉल एल भी पता है 18 एम एम है, यहाँ पे 180 एम एम है, तो सारी चीज़ पुट करके एन वन आपका निकल जाएगा. अब देखते हैं इसने क्या ऐसे ही किया है. ठीक है, L हमारा मीटर में कन्वर्ट कर लिया, P ने 60% है, L इसका 18 सेंटीमीटर है, H 1350 है, F 21 सेंटीमीटर है. कैमरा A की बात हो रही है, कैमरा A का स्केल निकल जाएगा H बाई F, ये निकल गया 64/286. N1 का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालना, इसने लगाए तो 35.567 आ गया, जिसको हमने राउंड अप करके 36 हो गया. तो 16 किलोमीटर के लिए 36 फोटोग्राफ हमें चाहिए कवर करने के लिए. इसमें भी देखो इसने कन्वर्ट नहीं किया है, इसमें भी इसने कन्वर्ट नहीं किया है 18 सेंटीमीटर का. तो मैं भी ना करते हूँ, इसमें फॉर्मूला इस तरीके से लिया गया हो ये, ठीक है. पर मेरे हिसाब से कभी भी ऐसा होता नहीं है, कभी भी रेशियो ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो अगर ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर या ऊपर सेंटीमीटर है. अगर हम ऊपर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट, मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो ऊपर 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए. तो लगभग यहाँ पे यहाँ मुझे ये लग रहा है कि 3600 फोटो आ जाता 16 किलोमीटर को तय करने के लिए. ठीक है, इसको देखेंगे. नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं. ये न्यूमेरिकल बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा उनको ध्यान से देख लेना, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना. एक चिमनी 120 मीटर हाई अपीयर एट द प्रिंसिपल पॉइंट. प्रिंसिपल पॉइंट याद है आपको, फोटोग्राफ का जो सेंटर पॉइंट है, के जो होता था, ठीक है. प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ जिसका ऑप्टिकल एक्सिस हमारा ग्रेविटी एक्सिस से कॉइंसाइड करता है. ऑन द नेक्स्ट फोटोग्राफ टेक शॉर्टली आफ्टर द बेस ऑफ द चिमनी इज एक्सिस इज 82.5 mm टू द लेफ्ट ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट. एंड द फोटोग्राफ का साइज गिवन है, फ्लाइट हाइट गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है. तो जब अगर ये कह रहा है कि एक फोटोग्राफ के बाद नेक्स्ट फोटोग्राफ लिया गया, उसमें ऑब्जेक्ट का जो बेस है इसके यहाँ से रेडियल डिस्टेंस उसकी दी हुई है, ठीक है, 82.5 सेंटीमीटर mm. तो इसमें नंबर ऑफ फोटोग्राफ क्या क्या निकालना है, इसमें इसमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी y निकालना है. याद हो, आपको याद करो कि एक इस तरीके की चीज कराई थी जिसमें आपका ये था आपका प्रिंसिपल एक्सिस बीच में k, और किसी भी स्ट्रक्चर की जिसकी हाइट है, जैसे चिमनी की बात हो रही है, तो चिमनी की हाइट और वो बेस इस तरीके से था, रेडियल डिस्टेंस जिसमें आपका a पॉइंट था इसका डेटम लेवल, एक पॉइंट था ए वन जिसमें था बॉटम लेवल, ए पॉइंट बीच में था ए नॉट जिसमें था आपका टॉप लेवल. तो ये टॉप लेवल के से टॉप लेवल तक का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे उस चिमनी के, तो रेडियल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा मेरा, ठीक है. आर नॉट इनमें गिवन है 82, फोकल लेंथ गिवन है, एच माइनस एच वन गिवन है, एच टू आपका 120 मीटर है. तो रेडियल वाला फॉर्मूला लगाया इन्होंने, आर कैपिटल आर, ठीक है, और उस फॉल में से आपसे 514 मीटर आ गया, ठीक है. फिर R2 भी निकाल लिया, यानी कि उन्होंने R नॉट गिवन है, R2 निकाल लिया है और R नॉट निकाल लिया है, ठीक है, और कैपिटल R निकाल लिया है. तो R नॉट इस फॉर्मूले से निकाला और ग्राउंड पे उसी के रेफरेंस में कैपिटल R हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और प्रीवियस ईयर वाले कैलकुलेशन की है इसमें, ठीक है. अभी मुझे लग रहा है कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक नहीं हो पाएगा ये. दोबारा से थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं. रेडियल डिस्टेंस कितने तरह की होती थी, एक होता था आर वन, एक आर टू, एक आर नॉट, और जब इन्हीं को ग्राउंड पे एस्टेब्लिश करेंगे तो कैपिटल आर से कहलाएगा ही, आर नॉट आर, कैपिटल आर नॉट, कैपिटल आर वन, कैपिटल आर टू, कहीं कहीं पे केवल आर ले लिया है, ठीक है. फिर उन्हीं को दूसरे फॉर्मूले से ग्राउंड पे डिस्टेंस को निकाला हुआ है,
ठीक है, इन्होंने सारे रेडियल डिस्टेंस निकाल ली उस चिमनी की, उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने, तो इसमें जो फोटोग्राफ के लिए स्ट्रिप की लेंथ चाहिए होती है वो यहाँ पे क्या है, रेडियल डिस्टेंस है कैपिटल आर ग्राउंड पे। साइज ऑफ द फोटोग्राफ गिवन है, ग्राउंड कवर एरिया इतना है आपका, ठीक है, स्केल आपका इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, एल आपकी 20 सेंटीमीटर दी हुई है, आर से आपका निकल जाएगा जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है उससे ये फॉर्मूला, उससे कवर निकल जाएगा ओवरऑल। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या पूछा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है ओवरलैपिंग कैलकुलेट करो, ओवरलैपिंग कैलकुलेट करो। ओवरलैपिंग क्या होती है, पीएल, पीएल निकालना है, पीएल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - PL SL, S आप निकाल सकते हो स्केल, PL आपको निकालना है, और ये किसके बराबर होता है, L के, ठीक है। लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ गिवन है, तो अब इस सारे फॉर्मूले में कैपिटल L गिवन नहीं है, जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है, तो जो R निकाला है कैपिटल R रेडियल, क्योंकि चिमनी से वो रेडियल कैपिटल R है जो हमने रेडियल फॉर्मूला लगा के निकाला है, तो उस कैपिटल R को यहाँ पुट कर दिया, S पुट कर दिया, L स्मॉल L पुट कर दिया, और PL जो ओवरऑल आपका जो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग है वो आपने निकाल ली। कितनी आ रही है, 60% ही आ रही है, कितनी आ रही है ये भी देख लेते हैं एक बार, 60% तो जनरली गिवन होती है, 58.7। तो इससे आप एक अंदाजा लगा लो कि सारी चीज़ें ना अप्रोक्सीमेटली हो रही हैं कहीं ना कहीं, है ना, ज़रूरी नहीं है 60% ही ओवरलैपिंग ले, डिपेंड करता है किस टाइप का सर्वे कर रहे हो, क्या चाहते हो आप चाहते हो कि नंबर ऑफ फ्लाइट बिल्कुल बिना बजट की दिक्कत है, क्योंकि फ्लाइट को एक उड़ाना फ्यूल में लगता है, तो फ्लाइट कम करने के लिए ओवरलैपिंग कम करेंगे, ओवरलैपिंग इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि आपका कोई ग्राउंड मिस हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली एक आइडिया निकालने के लिए ये कैलकुलेशन है सारी की सारी। केवल 20 स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये लंच के बाद वाले लेक्चर में ऐसे ही रहते हैं बच्चे, पूछता हूँ।